हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जंपसूट। यहाँ मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसे 4 भाग में फोल्ड कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ की लेंगे। लेंथ हमें जितनी आपको लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। मैंने यहाँ 30 लेंथ थी और उसमें 2 इंच प्लस करके 32 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ हमें लंबाई पर निशान लगा लेना है। इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। कमर जंपसूट में हम कमर का नाप नहीं, यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का जो भी मेजरमेंट है उसके 4th भाग में हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ मेरा हिप का मेजरमेंट 32 इंच है तो इसका 4th भाग 8 और उसमें प्लस 3 इंच कर लेंगे तो हम यहाँ 11 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने हिप पर निशान लगा लिया। ऐसा ही निशान एक हिप का 4th भाग का निशान हम यहाँ पर लंबाई में भी लगा लेंगे। 11 इंच का एक निशान हम लंबाई में लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। बस ये हमें 2 ही निशान लगाने हैं पैंट बनाने के लिए। अब हम इसको सीधा जो पूरा हमारी चौड़ाई है पूरी चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ पर आपको जितनी चौड़ाई रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने यह निशान लगा लिया और अब इसको हम कट कर लेंगे। ऐसे ही स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे जो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। जैसे निशान लगाए हमने वैसे ही कट कर लेना है। इसे हमें 4 भाग मिलेंगे, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए। ये हमने कट कर लिया है यहाँ पर पेंट। हम जो 2 गोलाई के निशान है इसमें सिलाई लगाकर इन दोनों भाग को आपस में जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पर टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप के लिए मैंने लेंथ ली है 15 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद मैंने शोल्डर पर निशान लगाया है 6 इंच और आर्म होल के लिए मैंने 5.5 पर 1 इंच निशान लगाया है। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हमें टॉप की चौड़ाई अब हमें इसे कट कर लेना है। टॉप की चौड़ाई हम जितनी प्लाजो पेंट की हमने चौड़ाई ली है उतनी ही रखेंगे। ये हमने टॉप कट कर लिया है। अब हम पेंट के दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे। यहाँ जो गोलाई में हमने निशान लगाया है उस पर हम सिलाई लगाएं। ऐसे ही हम दोनों भाग में सिलाई लगा लेंगे। दोनों भाग को ऐसे पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ मैंने दोनों साइड सिलकर तैयार कर ली है। हमें बस अभी ऊपर के पार्ट को ही जोड़ना है, इनके लेग को नहीं जोड़ना है। अब इसके बाद हम ऊपर टॉप पार्ट तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने आगे वी शेप में गला काटा है। आप अपने हिसाब से गोल या किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब यहाँ उरेप में हम एक पट्टी लेंगे और गले में ऐसे सिलाई लगाते हुए इसको पलट देंगे। इसके बाद हम शोल्डर पर भी ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमें 1/2 इंच की इसमें सिलाई लगानी ताकि हम बाद में डोरी इलास्टिक कहीं भी डालें तो इसके अंदर आसानी से चला जाए। ऐसे ही हम आर्म होल पर भी सिलाई लगा लेंगे। पीछे के भाग में भी हमें पूरे में ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगानी है और बीच में स्पेस रखनी है। मैंने यहाँ गले पर सिलाई लगा ली है और इसे तैयार कर लिया है। ऐसे ही हमने दोनों शोल्डर पर पीछे और आगे दोनों भाग के शोल्डर पर भी सिलाई लगा ली है। हम आर्म होल को भी ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो गले में जैसे हमने पट्टी लगाई वैसे ही आर्म होल में पट्टी लगाकर उसे पलट सकते हैं। ये पीछे का भाग भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों भाग को सबसे पहले पेंट में जोड़ेंगे। हम आगे के भाग को और पीछे के भाग में पीछे के भाग को जोड़ देंगे। अभी हमें इन्हें सिर्फ कमर से जोड़ना है। ये ऐसे रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों भाग को हमें जोड़ लेना है। आर्म होल से बाहर की साइड इस पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हमें अंदर एक साइड खुला रखना है और एक साइड में सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे एक बेल्ट
तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ बेल्ट के लिए 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली थी, इसे डबल फोल्ड में सिलाई लगाकर इसे पलट लिया है। अब इसे हम कमर के यहाँ पर लगाएंगे। कमर के यहाँ लगाने के लिए हम इसको सेंटर में रखेंगे और इसके कॉर्नर पर, बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगानी है हमें। यहाँ बीच में इसमें सिलाई नहीं लगानी है, बीच में हम यहाँ स्पेस रखेंगे ताकि हम इसमें डोरी या इलास्टिक अंदर डाल सकें। ऐसे ही हम साइड में सिलाई लगा लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि पीछे का जो पार्ट है इसमें नहीं सिले, आप इसे अलग करते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमें टॉप और पैंट के सेंटर में इसको रखकर कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। ये मैंने एक साइड पर सिलाई लगा ली है, बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाई है। वैसे ही मैं यहाँ ऊपर की साइड कॉर्नर पर सिलाई लगा लूँगी। ये हमने बेल्ट लगा लिया है, ये बीच में इसकी स्पेस है जहाँ हम डोरी या इलास्टिक डालेंगे। अभी हमारे पास इलास्टिक नहीं है तो हम यहाँ कपड़े से ही डोरी बनाकर इसमें डालेंगे। डोरी को ऐसे हाफ फोल्ड करना है और इस पर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और हम यहाँ अब नीचे के पार्ट को भी सिल लेंगे, ये अंदर से सिलाई लगा लेंगे और मोरी पर भी ऐसे ओढ़ कर सिलाई लगा कर इसे कम्प्लीट कर लेंगे। यहाँ हमने नीचे के भाग में सिलाई लगा ली है, मोरी को भी सिल कर हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ हम डोरी लगाएंगे, हमने एक पतली डोरी तैयार करी है। सबसे पहले हम शोल्डर में डोरी लगाएंगे, यहाँ हम शोल्डर को अटैच नहीं करेंगे, इसमें डोरी लगाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आगे के भाग से स्टार्ट करते हुए इसमें डोरी लगाएंगे। आप पीन या क्लिप की सहायता से इसके अंदर ऐसी डोरी लगा सकते हैं, अंदर हमें पिरोना है इसके। और आगे के भाग के बाद हम इसको निकालते हुए पीछे के भाग में डालेंगे। पीछे के कंधी में पूरी हम डोरी निकाल देंगे और ऐसे ही इसे को निकालते हुए फिर से हम आगे के शोल्डर में इसको डाल देंगे। इसे निकालते हुए आगे के भाग में डाल लेंगे और गले में हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ हमने ऊपर शोल्डर में डोरी लगा ली है, इसे आप अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए शोल्डर उतना रख सकते हैं। अब इसके बाद हम बेल्ट में भी ऐसे ही डोरी लगा लेंगे। यहाँ आगे के भाग से हमने यहाँ ओपन रखा है, वहीं से हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड से इसको बाहर निकाल लेंगे। बेल्ट में हमने डोरी लगा ली है, इसे आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना ढीला टाइट रखना है वैसा आप रख सकते हैं। यह हमारी डोरी लग गई है, मैं इसको पूरा लुक बताती हूँ आपको। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जंप सूट बनकर तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।